हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंडियन पॉलिटी के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये देखो, अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी इनको काउंट हो किया जाता है और इसी के साथ ही इंडियन पॉलिटी में भी इनको काउंट हो किया जा रहा है। तो इस लिहाजा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछती रहती है और इसका इम्पोर्टेंट होने का रीज़न ये है कि भारत के संविधान को जब बनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, तब काफ़ी सारे ऐसा पोर्शन था जो कि इन दोनों एक्ट से लिया गया था। मतलब इन दोनों एक्ट से आप बोल सकते हो कि यहीं से कॉपी किया गया था एक तरीके से। तो इसलिए हमें इनको अच्छे से डिस्कस है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है ना, इसका एक दूसरा नाम भी होगा जो आपको काफ़ी याद है, वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में, जो कि 1919 में आया था। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार थे, रिफॉर्म थे, ये 1919 में तो आए थे बट इनको इम्प्लीमेंट किया गया था 1921 में। मॉन्टेग्यू कौन था उस टाइम पे? देखो, मॉन्टेग्यू थे वो उस टाइम पे भारत के राज्य सचिव थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ ही हम बात करें चेम्सफोर्ड, तो वो उस टाइम पे वॉइस रॉय थे। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि मॉन्टेग्यू जो कि भारत के राज्य सचिव थे और वॉइस राय कौन थे उस टाइम पे, कौन था उस टाइम पे वॉइस राय, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो, ऐसे ये भी उन्होंने डिस्कस किया है, इनके द्वारा ही ये मतलब है भारत सरकार अधिनियम लाया गया था और फिर इसको 1921 में इम्प्लीमेंट है वो किया गया था। अब देखो, कुछ हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स थे। देखो, पहली बार ऐसा हुआ था भारत में कि ऊपर अपर हाउस है इसका निर्माण किया गया था। इससे पहले भारत में अपर हाउस नहीं था भारत की राज्य व्यवस्था में, तो पहली बार भारत जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है इसके तहत अपर हाउस का निर्माण है वो किया गया था, यानी कि ऊपरले सदन का निर्माण है वो किया गया था। इससे पहले केवल भारत में केंद्रीय सभा थी यानी केवल सेंटर पे ही ये गवर्नमेंट हुआ करती थी, एक अपर हाउस का निर्माण नहीं किया गया था। तो अब अपर हाउस का निर्माण कर दिया गया है और बाकी केंद्रीय सभा तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये ध्यान रखना है कि जो अपर हाउस था और जो इसी के साथ केंद्रीय सभा थी, इन दोनों के अंदर जो मैक्सिमम मेंबर थे ना वो इलेक्टेड होते थे। ये फैक्ट थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि दो सदन हो गए एक तरीके से। एक तो हुआ केंद्रीय सभा वाला, जिस तरीके से देखो आज राज्यसभा और लोकसभा है, उसी तरीके से उस टाइम पे केंद्रीय सभा और ऊपरला सदन, तो ये दो सदन बने हुए थे, जिसे ऊपरले सदन को मैनली उस टाइम पे राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। तो ये अब आप आई होप शायद कन्फ्यूज़ नहीं हो गए, यानी कि राज्य परिषद और जो केंद्रीय सभा थी इसके मैक्सिमम मेंबर उस टाइम पे इलेक्टेड होते थे, ना कि नॉमिनेटेड किए जाते थे। इसके साथ ही हम बात करें तो जो एक सदन था केंद्रीय सभा, इसके जो पर्सन होते थे इनका कार्यकाल 5 साल का होता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बट एक फैक्ट और है जो थोड़ा आपको कन्फ्यूज कर सकता है कि देखो, आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कि कभी भी एक तरीके से डिजोल्व नहीं किया जा सकता, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे जो राज्य परिषद थी उसको गवर्नर जनरल या फिर जो वॉइसरॉय है वो कभी भी भंग कर सकता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उस टाइम पे जो राज्य परिषद बनाई गई थी, ऊपरला सदन, वो अस्थायी था, स्थायी नहीं था। आज तो आपको पता है कि राज्यसभा कभी भी डिजोल्व नहीं होती है, उसके जो मेंबर होते हैं वो हर, आपको पता है, 6 साल में एक्चुअली नॉमिनेटेड है, 6 साल के इलेक्टेड है वो होते हैं, और 2/3 मेंबर हर 2-2 साल में मतलब चेंज है वो होते रहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और फैक्ट। देखो, जो प्रांतों के अंदर जो विधानसभा थी उसका क्या सीन था वो भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। उस टाइम पे जो ब्रिटिश भारत था ना, उनके पास टोटल 9 स्टेट थे, जैसे कि आज भारत में आपको पता 29 स्टेट हैं, उस टाइम पे 9 ऐसे स्टेट थे जो कि ब्रिटिश के अंडर थे। अब उन 9 स्टेट में से 6 स्टेट ऐसे थे जहाँ पे डबल सिस्टम था। डबल सिस्टम का मतलब कैसे कि वहाँ पे केंद्रीय विधान जो मंडल था उसी की तरह वहाँ पे और भी सदन था जो कि विधानसभा का ऊपरला सदन था। जिस तरीके से आज आपने देखा है कि भारत में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे दो दो सदन होते हैं, जिसमें से यूपी है, इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की बात है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो कुछ ऐसे ऐसे स्टेट है जहाँ पे विधानसभा भी है और इसके साथ वहाँ पे जो विधान काउंसिल है वो भी वहाँ पे बनी हुई है। तो उसी तरीके से 6 ऐसे स्टेट थे। कौन कौन से थे? एक तो था उस टाइम पे संयुक्त प्रांत। देखो, यूपी को उस टाइम पे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में था एक बिहार, एक था मद्रास, मद्रास यानी कि आज का तमिलनाडु, इसके बाद में बॉम्बे, और इसके बाद में एक था बंगाल, और एक था चट्ठा गया वो कौन हो गया, असम। देखो, नॉर्थ ईस्ट पे उस टाइम पे एक ही राज्य था असम, जो आज बने हुए हैं त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम वगैरह, ये नहीं थे उस टाइम पे, केवल आसाम ही था। इसी को बाद में तोड़ तोड़ के टुकड़ों में अलग अलग स्टेट हैं वो बने गए हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कुछ और चेंजेस।
एक देखो, अगर मेजर चेंजेस की बात करें तो उस टाइम पे डाईआरके आई थी। क्या है यह डाईआरके, इसे हम थोड़ा देखते हैं, क्योंकि कई बार यूपीएससी ने मतलब क्वेश्चंस के ऊपर पूछा भी है। डाईआरके का देखो सीधा सीधा मतलब होता है द्वैत शासन, मतलब कि दो तरफ की गवर्नमेंट है, वहां पे काम है वो कर रही है। देखो बेसिकली तो उस टाइम पे जो सचिव थे भारत के मोंटेग्यू, उनके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था 1917 में, इंट्रोड्यूस किया गया था। बट बाद में इसको भारत सरकार अधिनियम 1919 में मतलब रखा गया, और फिर 1921 से इसको इम्प्लीमेंट है वो किया गया था। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि भारत में डाईआरकी सिस्टम का जन्मदाता कौन था, भारत सचिव कौन था उस टाइम पे, ऑब्वियसली मोंटेग्यू। तो मोंटेग्यू के द्वारा ही किया गया था सारा काम था। डाईआरकी का देखो सीधा मतलब ये कि इसके अंदर जो क्या होगा कि जो भी टॉपिक थे ना, जैसे देखो आज आपको पता है कि स्टेट की लिस्ट होती है, कौन कौन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, उसी दौरान क्या था उस टाइम पे कि जो भी विषय है ना, इनको दो भागों में डिवाइड कर दो। एक तो कर दो आप स्थानांतरित, यानी कि जो ट्रांसफरेबल है वो, और दूसरा कौन सा कर दिया, दूसरा कर दिया आरक्षित, यानी कि जो रिजर्व है। अब उन्होंने क्या गेम खेला वो हम देखते हैं। अंग्रेज थे, ऑब्वियसली भारत का शोषण तो कर ही रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो स्थानांतरित विषय कौन से हैं, जैसे कि स्थानांतरित विषय में था उस टाइम पे कृषि, इसके साथ ही हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन हो गई, शिक्षा हो गया, इसी के साथ ही जो पब्लिक सर्विस के जो भी कार्य हैं, जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो के रिलेटेड हो गया, या फिर हम बात करें इंडस्ट्री हो गई। तो ऐसे जो टॉपिक थे ना, मतलब एक बार थोड़ा देखो ध्यान से देखना, स्थानांतरित विषय कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, एजुकेशन, यानी कि वो सेक्टर जहाँ पे पैसा खर्च करना है काफ़ी सारा, वो सेक्टर तो क्या किया उन्होंने उन टॉपिकों को तो स्थानांतरित लिस्ट में डाल दिया। आरक्षित लिस्ट में कौन से हो गए, आरक्षित लिस्ट में कर दिया जैसे कानून व्यवस्था कर दी, पुलिस कर दिया, इसी के साथ ही हम बात के जो मिनरल्स हो गए, खनिज वगैरह हो गए, उनको इस लिस्ट में डाल दिया गया, सिंचाई को इस लिस्ट में डाल दिया गया। और इसी के साथ हम बात करें जैसे कि और भी जो भू राजस्व संबंधित उस टाइम पे काम थे, वो सारे मतलब आरक्षित विषयों में थे। और जो आरक्षित विषय थे, ये इनका इनका पावर किसके पास होती थी, आरक्षित विषय थे वो केवल जो ब्रिटिश के मतलब हेड होते थे उनके पास पावर होती थी, और स्थानांतरित जो विषय थे ये केवल भारत के जो मंत्री वगैरह होते थे उनको दिए जाते थे। अब एक बार आप खुद देखिए, देखो एग्जाम्पल लेते हैं सिर्फ कि एग्रीकल्चर था ये कहाँ था, स्थानांतरित लिस्ट में था, मतलब एग्रीकल्चर भारतीय मंत्रियों को दिया गया था, जबकि सिंचाई किसके पास है, सिंचाई तो उनके खुद के पास ही है। अब आप देखिए बिना सिंचाई के एग्रीकल्चर पॉसिबल थोड़ी है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए कि कानून व्यवस्था है वो उनके ब्रिटिशर्स के पास थी, जबकि बाकी हम बात करें यहाँ पे और मैनेजमेंट वो भारतीयों के पास था। तो भाई बिना पुलिस कैसे मैनेज करते हैं मंत्री, मतलब कि भारतीय मंत्रियों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया, उनको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोई उनको पावर नहीं दी गई, केवल नाम नाम की पावर दी गई ताकि वो खुश हो जाएं, रियल में उनके पास कोई पावर है वो थी ही नहीं। तो इस तरीके का उन्होंने सिस्टम है वो लेके आए थे, तो ऑब्वियसली इसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था। और इसीलिए बाद में क्या हुआ था, डाईआरकी की काफ़ी मतलब समीक्षा करने के लिए और सर्वे करने के लिए बाद में आया था साइमन कमीशन। तो बाद में साइमन कमीशन आया था 1927 में। अब साइमन कमीशन ने भी सर्वे किया तो उसने भी कहा कि भाई डाईआरकी है वो सही नहीं है, मतलब गड़बड़ाई इसमें साफ साफ दिख रही है, सब लोगों को दिख ही रही थी, तो इस चीज़ को माना गया। इसके बाद में कुछ चेंजेस हैं वो लाने की बात यहाँ पे फिर से की गई है। अब देखो हम एक सेकंड रुको, एक खाली पेपर ले लेते हैं, 1 मिनट। हाँ अब देखो जो ये एक्ट आया था ना कि मोंटेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म, इसके तहत ये बात की गई थी कि भाई 1920 में ना इलेक्शन करवाए जाएंगे। अब देखो इलेक्शन करवाएंगे तो भारतीयों को तो पता चल गया था कि भाई अपन को तो कुछ नहीं मिलने वाला है, क्यों, क्योंकि देखो पहले जो विषय को डिवाइडेशन हुआ था जो सब्जेक्ट्स का, उसमें भी मतलब धांधली थी, डाईआरकी सिस्टम लाया गया था। इसी के साथ ही उस टाइम पे जो मनमानी थी वो राज्यपाल मनमानी करते थे, और मैक्सिमम जो सिविल सर्वेंट थे वो ब्रिटिशर्स थे तो वो भी अपनी मनमानी करते थे। तो भारतीयों को लगा कि भाई अगर हम मंत्री बन भी गए हैं तो हमें कोई फायदा तो दिख नहीं रहा है, उल्टी हमारी बेइज्जती होने वाली है, तो क्यों हम इसमें पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में। ऐसा सीन होगा कि भाई दो जो 1920 में इलेक्शन होंगे उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इसलिए कांग्रेस ने प्लान किया कि इन इलेक्शनों में हम पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। इसके बाद में हुआ क्या कि कांग्रेस का एक हिस्सा जो उस टाइम पे आपको बताया कि स्वराज दल के नाम से जाना जाता था, तो अब स्वराज दल ने क्या डिसाइड किया कि भाई साहब इलेक्शन में तो थोड़ा बहुत हम पार्टिसिपेट करेंगे, अगर हम इसमें नहीं आए तो कहीं ना कहीं मतलब मामला और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, वो अलग बात है कि हम यहाँ पे भी कुछ काम नहीं करने वाले हैं। तो जो कांग्रेस का एक बड़ा सा हिस्सा था स्वराज दल के नाम से, उसने क्या किया इलेक्शन में एक तरीके से पार्टिसिपेट तो किया, बट फिर भी उन्होंने कोई ऐसे कोई काम नहीं किया, मतलब उन्होंने सरकार बनाने के अंदर कोई भी अपना योगदान है वो नहीं दिया। तो इससे बात साफ साफ आ गई कि भी भारतीयों के मन में गुस्सा है वो साफ साफ उनको दिखने लग गया।
इसके बाद में एक मेजर चेंजेस ये हुआ था कि इस जो ये अधिनियम था या हम बात करें जो ये एक्ट था, इसके तहत भारत में एक और पद बनाया गया जिसका नाम था हाई कमिश्नर। भारत में एक नया पद बनाया गया हाई कमिश्नर के नाम से। और जो ये नया पद था ना हाई कमिश्नर, इसे क्या किया गया कि जो भारत सचिव है ना इसके कुछ राइट दिए गए, मतलब जो भारत का सचिव होता था ना उस टाइम पे मोंटेग्यू था, उसी तरह के कुछ उससे दो चार राइट लेके इसको दे दिए गए हाई कमिश्नर को, ताकि भारतीय वो थोड़ा खुश है वो किया जा सके, और जो प्रशासन संबंधित जो गवर्नेंस संबंधित जो मामले थे उसके थोड़ी बहुत इसको पावर है वो दी गई थी। और इसका जो सैलरी वगैरह थी उस टाइम पे जो भी वेतन वगैरह होता था वो भारत से ही दिया जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो भी पैसा दिया जा रहा था वो भारत के फंड से दिया जाता था, ना कि कहीं और से। और ये जो सिस्टम था ये पहले से ऐसे ही कंटिन्यू था। तो इस तरीके से देखो ये जो मेजर मेजर पॉइंट्स थे 1919 एक्ट के वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अब हम देखेंगे कि 1935 का एक्ट क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब देखो जो 1919 का एक्ट हुआ आया था इसके बाद में 1935 का एक्ट है, इसके बीच में काफ़ी सारे मतलब रिवॉल्यूशन काफ़ी सारे चेंजेज हुए हैं। जैसे कि हम अगर मोटे मोटे देखें तो एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले तो बात आ जाती है हमारी असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कब हुआ था 1920 में। इसके बाद में हम बात करें तो एक स्वराज दल का गठन किया गया था, स्वराज दल का गठन जो कब किया गया था 1923 में। इसके बाद में हम बात करें साइमन कमीशन है वो भारत आया था, तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था 1927 में। अभी देखो याद कीजिए हमने डाईआरके के तहत इसको डिस्कस किया था। इसके बाद में आई थी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, तो उनकी एक रिपोर्ट आई थी, और मोतीलाल रिपोर्ट के साथ ही एक आई थी जिन्ना रिपोर्ट, जिन्ना ने भी ऑब्वियसली रिपोर्ट निकाली थी। ये कब आई थी 1928। इसके बाद में आया था नमक सत्याग्रह जो दांडी यात्रा आई थी ना आपको ध्यान है गांधी जी ने की थी, और इसी के साथ आया था फिर गांधी इरविन पैक्ट आया था, और गांधी इरविन पैक्ट के साथ ही लाहौर संकल्प भी आया था। तो ये कुछ आपको सिक्वेंस ध्यान रखनी है कब आए थे ये तीनों कांड मतलब सिस्टम थे वो थे 1929 से 30 के बीच में। इसी के साथ ही हम बात करें तो 1932 में एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो क्या था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्यों हुआ था उस टाइम पे आपको पता है कम्युनल अवार्ड यानी जो सांप्रदायिक अवार्ड की बात की गई थी ना, सांप्रदायिक अवार्ड कब आए थे 1932 में, और इसीलिए पूना पैक्ट हुआ था। मतलब पहले कम्युनल अवार्ड या हम बोल सकते हैं कि सांप्रदायिक अवार्ड आए थे, इसके बाद में इन्हीं के विरोध में पूना पैक्ट को लाया गया था। और इसके बाद में 1934 में क्या हुआ था एक सेकेंड, 1934 में हुआ था लोथियन रिपोर्ट आई थी, लोथियन रिपोर्ट। तो ये आपको देखो सीक्वेंस ध्यान रखनी है, यूपीएससी कई बार सीक्वेंस पूछ लेती है प्रीलिम्स में भी, तो ये देखो ऐसे फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। एंड बेसिकली वो अलग बात है कि हिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है यहाँ पे, बट हमें तो पढ़ना है कवर करना है कहीं भी, तो हमारा मेन मोटो क्या है कि सारी चीज़ें हमें क्लियर रखनी है। तो एक बार आप ये सीक्वेंस है वो थोड़ा यहाँ पे देख लेना। अब 1935 का एक्ट है उसके हम कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट देखेंगे फिर हम आगे कवर करेंगे। अब देखो हम एक सेकेंड को खाली पेपर तो ले लेते हैं पहले, एक मिनट। हाँ अब हम बात करते हैं 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसकी। देखो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में क्या हुआ था कि जो विषय थे ना टॉपिक इनको तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन से, एक तो कर दिया था संघीय इनकी यूनियन, एक कर दिया गया था प्रांतीय, और एक कर दिया गया था समवर्ती सूची, यानी कि तीन विषयों में डिवाइड है वो कर दिया गया था। अब यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन से एक्ट के तहत भारत में ये जो विषयों का डिवाइडेशन था ये किया गया था, तो ऑब्वियसली भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, और फिर जब संविधान बना था तो वहीं से डायरेक्टली इसको अडॉप्ट है वो कर लिया गया था। आज भी हमारे देश में जो विषय हैं इनका तीन भागों में डिवाइडेशन है, यूनियन लिस्ट, इसके साथ स्टेट लिस्ट, और इसके बाद में आती है कॉन्कर्न लिस्ट। तो इस तरीके से तीन भागों में बांटा गया है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है वो एक बार हम यहीं पे देख लेते हैं कि 1935 में तो तीन विषयों में बांटा गया था, बट 1950 के टाइम पे जब संविधान बना था तो कौन सी लिस्ट में कितने कितने टॉपिक थे। कई बार यूपीएससी पूछ लेती है कि जब पुराने संविधान में मतलब कहाँ कितने टॉपिक थे, तो उस टाइम पे जो संघ सूची थी ना इसमें थे 100 टॉपिक थे, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 100 सब्जेक्ट थे इसमें। राज्य सूची की हम बात करें प्रांत वाली उसमें थे उस टाइम पे 61 विषय 61 सब्जेक्ट थे, और समवर्ती सूची की हम बात करें तो उसमें थे 35 टॉपिक। आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल है 246 फर्स्ट, 246 थर्ड इसके लिए प्रांतीय के लिए, और हम बात करें समवर्ती के लिए वो हो जाता है 246 टू। तो ऐसे याद रखना आपको कि संघ के लिए आर्टिकल 246, बस इतना ही याद रख लेना, बाकी ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। यानी कि भारत में जो विषय का डिवाइडेशन है
वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ये भारत के लिए क्या हुआ, देखो उस टाइम पे काफ़ी अच्छी बात हो गई थी कि भाई अब स्टेट के जो लिस्ट हैं उसमें स्टेट वाले आराम से अपने जो भी मतलब गवर्नेंस है रूल वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरीके के चेंजेस हैं वो विधानसभाओं में किए गए थे। अब देखो हम बात करें कि सेंट्रल लेवल पे हम बात करें कि केंद्रीय जो सरकार थी उसमें भी कुछ चेंजेस किया गया था क्या। देखो केंद्रीय सरकार में क्या सीन चल रहा था उस टाइम पे कि जो गवर्नर जनरल या फिर जो वायसराय है वो तीन सलाहकार के बेसिस पे या उनके साथ मिलके काम है वो करता था। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक भी हुआ करते थे, देखो थोड़ा ध्यान से सुनना। वैसे तो गवर्नर जनरल क्या करता था, जो उसके तीन सलाहकार होते थे ना उनके साथ मिलके काम करता था। बट इसी के साथ ये था कि भाई कुछ ऐसे टॉपिक थे जो कि भारतीय मंत्रियों के लिए आरक्षित किए गए थे। इन्हीं की एक तरीके से केंद्र में भी क्या हुआ, डाईआरके लाने की बात की गई। खैर वो अलग बात है कि कभी भी सेंट्रल लेवल पे या केंद्रीय सरकार के पास डाईआरके इंप्लीमेंट नहीं की गई, केवल सिर्फ बात बात की गई। इन्हें प्रस्ताव लाया गया कि भाई केंद्र के अंदर भी कुछ टॉपिक होंगे वो मतलब भारतीय मंत्रियों के लिए रिजर्व किए जाएंगे, उनका काम उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। ये केवल बात की गई थी, ध्यान रखना इंप्लीमेंट इसको कभी भी नहीं किया गया। यूपीएससी पूछ सकती है कि केंद्र सरकार में भी कभी इंप्लीमेंट की गई थी, बिल्कुल नहीं इंप्लीमेंट है वो की गई थी वहाँ पे डाईआरके सिस्टम। और स्टेट के साथ ही हम बात करें तो स्टेट में तो डाईआरके सिस्टम खैर वो हटाई दिया गया था क्योंकि लिस्ट सब्जेक्ट को तीन भागों में ऑलरेडी डिवाइड कर दिया गया था। अब क्या हुआ, अब देखो हम बात करते हैं भारत की अंतरिम सरकार। जो भारत की अंतरिम सरकार थी वो बनी थी 1946 में। उस टाइम पे इसके हेड कौन थे, उस टाइम पे प्रधानमंत्री बने थे, वो बने थे पंडित नेहरू। मतलब पंडित नेहरू के नेतृत्व में 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का निर्माण है वो किया गया था। यह हम बोल सकते हैं भारत में जो पहली भारतीयों की सरकार थी वो थी 1946 में पंडित नेहरू द्वारा, जिसे अंतरिम सरकार के नाम से जाना जाता है। इसके साथ देखो कुछ कमियां भी थी ओबियसली। इसमें कमियां तो देखो बहुत सारी थी कि एक तो जो सब्जेक्ट थे वो भारतीयों को जो स्टेट लिस्ट में टॉपिक थे वो बहुत कम थे, और मतलब कोई अच्छे टॉपिक नहीं दिए गए थे जिनके ऊपर भारतीय मिलकर अच्छा काम कर सकें। अब देखो आज के ज़माने में क्या होता है, आज के ज़माने में देखो जब बजट पास मतलब जब बजट लाया जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर चर्चा की जाती है, मतदान किया जाता है। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। चलो आप एक चीज़ ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि बजट के ऊपर जो मतदान का काम है वो ओनली लोकसभा में ही होता है या राज्यसभा में भी मतदान का काम है वो किया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताइए। उस टाइम पे सीन क्या था कि जो बजट का लगभग 80% ऐसा हिस्सा था जिसपे तो मतदान पॉसिबल ही नहीं था। मतलब जो वहाँ की जो अगर हम बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कह दिया कि भाई ये पैसा यहाँ पे खर्च होगा, लगभग 80% पैसे पे तो मतदान की वो बात ही नहीं थी। जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी वैसा ही उस पैसे का यूज है वो होता था। इसी के साथ ही देखो जो साइमन कमीशन आया था 1927 में, याद कीजिए, भूलना नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही। तो जो साइमन कमीशन ने क्या कहा था कि भाई जो डाईआरकी है ना वो बिल्कुल सही नहीं है, मतलब डाईआरकी जो संसदीय व्यवस्था है इसकी बहुत विरोधी बताई गई थी। बट फिर भी डाईआरकी को सेंट्रल लेवल पे इंप्लीमेंट करने की बात की गई, बट इंप्लीमेंट खैर नहीं किया गया था। मतलब कि मना करने के बावजूद सेंट्रल पे भी डाईआरकी को थोपने की कोशिश की गई थी। इसी के साथ ही भारत की अगर हम बात करें तो कम्युनलिज्म या हम बात करें सांप्रदायिकता को प्रमोट किया गया। मुसलमानों के लिए अलग से हम बात करें निर्वाचन व्यवस्था लेके आई गई, सिखों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था लाई गई। इसी के साथ ही जो यूरोपियन ईसाई थे उनके लिए भी अलग से इलेक्शन की जो मैकेनिज्म है वो लाई गई, और जो एंग्लो इंडियंस थे उनके लिए भी अलग से हम बात करें निर्वाचन व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया गया। मतलब भारत को तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश है वो उनके द्वारा की गई थी। तो इस तरीके के कुछ हम बात यहाँ पे चेंजेस हैं वो किए गए हैं। अब हम देखो ये देखते हैं कि जो ये भारतीय संविधान था ना इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस एक्ट के तहत हैं वो ली गई हैं, मतलब कौन कौन सी अच्छी बातें थी जो भारतीय संविधान ने 1935 के एक्ट से एडॉप्ट की थी। तो देखो सबसे पहले थी एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था क्या है, यानी केंद्र है वो अधिक पावरफुल होगा, यानी कि यूनियन है उसके पास ज़्यादा पावर होगी, स्टेट के पास पावर कम होगी। और आज भारत में ऐसा ही है, सेंटर के पास यूनियन के पास ज़्यादा पावर होती है, स्टेट के पास पावर कम होती है, इसीलिए भारत है वो एक यूनियन या एकात्मक व्यवस्था में ढला हुआ है। इसके बाद अगर हम एक सेकंड खाली पे लेते हैं, हाँ इसके बाद में क्या था, जो सब्जेक्ट थे इनका डिवाइडेशन ओबियसली 1935 के एक्ट के तहत लिया गया था, और भारत की जो संसदीय प्रक्रिया पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है वो भी इसी एक्ट के तहत ली गई थी, और जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था भारत में वो भी इसी एक्ट के तहत है वो लाया गया था। इसी के साथ भारत में हम बात करें नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप थी, उसको लेके भी जो भी गाइडलाइंस थी वो यहीं से अडोप्ट है वो की गई थी, और जो अटोर्नी जनरल का जो पद था वो भी यहीं से अडोप्ट है वो किया गया था। इसके साथ ही जो कैग का पद है, कंट्रोलर ऑफ द टॉप जनरल,
वो पद भी यहीं से अडॉप्ट किया गया था। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन यानी कि जो प्रेसिडेंट रूल है, वो भी बेसिकली स्टेट के अंदर जो इम्प्लीमेंट किया जाता था वो इसी एक्ट के तहत एडोप्ट है, वो किया गया था। खैर उस टाइम पे प्रेसिडेंट की जगह कौन होता था? उस टाइम पे होता था गवर्नर जनरल, यानी कि उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन को गवर्नर जनरल रूल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में हम बात करें अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास होती थी, तो वो भी यहीं से अडॉप्ट की गई है। और हम बात करें जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं IAS जैसी, इसके जो मतलब प्रॉपर एक्ट वगैरह थे वो यहीं से अडॉप्ट किए गए थे। और जो सदन के अंदर जो कार्रवाई होती है वो भी यहीं से अडॉप्ट की गई थी, उसकी प्रोसीजर। इसी के साथ ही हम बात करें राज्यसभा की जो पावर है वो भी इसी एक्ट के तहत इंडिया ने मतलब इंडिया के संविधान ने अडॉप्ट हैं वो की हैं। इसके साथ ही सेंटर स्टेट रिलेशन, जो कि आजकल आपको पता है जैसे कि रिवर डिस्प्यूट काफ़ी बड़ा विवाद है वो रहता है, तो जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात है वो भी यहीं से अडॉप्ट की गई है। भारत का जो न्यायिक व्यवस्था है, जो भारत की हम बात करें जुडिशरी का जो मैकेनिज्म ढांचा है वो भी इसी एक्ट के तहत अडॉप्ट किया गया है। और हम बात करें सबसे लास्ट में भारत की जो निर्वाचन प्रणाली, ये जो इलेक्शन की जो प्रोसीजर है वो भी यहीं से अडॉप्ट है, वो की गई है। ये सब हुआ। इसके बाद में क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया था। 1946 में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया था और उसके तहत भारत की जो संविधान सभा थी इसका गठन किया गया था। अब देखो भारत की जो जो संविधान सभा गठित की गई थी उसमें स्टार्टिंग में थे 292 सदस्य। पर ध्यान रखना 1946 में आपको पता है पाकिस्तान नहीं बना था, तो मतलब 292 सदस्य थे, इसमें पाकिस्तान के 20 मेंबर इंक्लूड थे। अकेले 292 नहीं थे, इसके साथ जो 93 ऐसे मेंबर्स थे जो कि उस टाइम पे रजवाड़े थे भारत में काफ़ी सारे, उन रजवाड़ों से इलेक्ट होते थे, और 4 ऐसे कमिश्नर थे कमिश्नर ब्रांच से आने वाले थे। मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पे जो संविधान सभा बनाई गई थी, ढंग से सुनना, 1946 में जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें टोटल थे 389 सदस्य। अब इन 389 में से 292 थे वो तो जो ब्रिटिश प्रांत थे ना, जो ब्रिटिशर्स के अधीन थे वहाँ से इलेक्ट होने थे। 93 कहाँ से इलेक्ट होने थे, 93 वो थे जो कि जो रजवाड़े थे उस टाइम पे जिनका अकेला खुद का राज था वहाँ से मनोनीत किए जाने थे, और 4 ऐसे कमिश्नर प्रांतों से आने वाले थे। तो कुल मिला के हो गई थी 389 सीटें संविधान सभा के लिए। बट लेकिन और लेकिन आपको पता है पाकिस्तान बन गया था, तो इसीलिए जो टोटल ये 389 सीटें थी ये कहाँ की रुक गई, ये सीटें आगे ब्लास्ट में रह गई 292। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सॉरी 290 रही थी। अब कई जगह देखो 292 भी हैं, बट नहीं, 290 और 92 की समथिंग थी। और जब भारत का संविधान बना था लास्ट के अंदर, हम बात करें 26 नवंबर कब बना था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के कम्प्लीट हो गया था। तो उस टाइम पे 290 जो मेंबर थे ना, इसमें से 284 ने साइन कर दिए थे कि हाँ भाई साहब हम इसको अलाउ है वो कर रहे हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से बेसिक जो मोटा मोटा जो कवरेज था वो हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम आगे ये देखेंगे कि भारत का संविधान बना कैसे था, कौन कौन सी उसमें प्रोसीजर थी, कौन कौन से अलग अलग उसमें स्टेज थे, जैसे प्रथम चरण था, सेकंड चरण था, तृतीय फेज था, तो वो सारी सी एक एक चीज़ें हम आगे कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा अप्रिशिएट है वो किया जा सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।